मुझे मंत्र देते हैं कि अगर जीवित रहना है यहाँ तो कैसे रहेंगे। देख सकते हैं जोरदार काम हो जाए। जिंदा रहना है तो बाहर करो, उनमें भी पहला जिंदा रहना है तो प्रहार करो और उसमें भी पहला पहला पहले ही एक मुक्का मारता बैठ जाए और ओके मौका मिल गया तो मार दे तू बैठ जी बा जिया से सही बात है। तो जीवित रहेगे तो पहले प्रहार करा चांस दे ले कोनो गुंजाइश ना भैया लोग जे भिड़ा पहलो के निपटा दा। और उसके बाद पूर्वांचल वेब सीरीज की जो सबसे खूबसूरत बात है, चिपका था ये देखा ना, जहाँ खूबसूरती जा करके फुल स्टॉप लग जाए, खड़ी पाई, पूर्ण विराम, बात खत्म, इतनी खूबसूरत आम्रपाली दुबे जी। खूबसूरती जहाँ जाके फुल स्टॉप लग जाए, खड़ी पाई, पूर्ण विराम, बात खत्म, खत्म यहाँ से। ऐसा आम्रपाली जी के ये पूर्वांचल वेब सीरीज में हम छोटे पर से खींच रहा है तो इनकर भी एक बड़ा बढ़िया डायलॉग हम चाहब जरूर आम्रपाली दुबे जी ड्रीम गर्ल एक बार आप लोग सबसे पहले तो आप सभी लोग के नमस्कार जी। हाँ मैम भोजपुरी में बोल के खुश कर दूँ। बहुत खुशी होता हमके इतना सारा इन्फ्लुएंसर्स हमने के आजमगढ़ और आसपास के एरिया से देख के। बहुत डिफिकल्ट जॉब बा, मोबाइल लेके पूरा दिन रेडी रहे के बाद कंटेंट शूट करे के बाद अपलोड करे के बाद बहुत मेहनत के काम बा। हमके पता बा कहे कि हम बहुत एक्टिव रही ला सोशल मीडिया पर, तो आप सबके हैट्स ऑफ। और पहले तो अपना खातिर ताली बजाई लोग, बहुत मेहनत करा ताली जा। पूर्वांचल वेब सीरीज में जब भी दिनेश जी हमके ई वाला डायलॉग बोले ले कि फुल स्टॉप पूर्ण विराम खड़ी पाही सबसे सुंदर बात खत्म, तब हमारे एगो बहुत ही प्यारा है मैं डायलॉग बा हुई है कि जो बचपन से बटन जैसा आंख का दूरबीन बना के मुफ्त का सिनेमा देख रहे हो ना सब पता है दिया से। बटन जैसी आंख ये वाला सबसे बेस्ट लगा। अरे हम तो ये देख रहे हैं कि आप कैसे कपड़ा धो रही हैं। अरे सब चीज तो ठीक है लेकिन ये कपड़ा धोए में कौन सा खूबसूरती है। अरे भैया कपड़ा धोते हुए लड़की को नहीं देखे हैं क्या? देखना रगड़ तो यही तरिया भाई कपड़ा ज्यादा है, अकेले धोते धोते थक जाओगी, आओ बैठते आमने सामने बैठ दिया हो धोते मिल के धोते हैं मेरा रो गुलाम बनाओ तो इधर ये सामने बैठ। तो जब ऐसा डायलॉग ये बोल देते हैं तब हम उठाते हैं वो क्या कहते हैं उसको लकड़ी का जो बैट जैसा रहता है। देख ला मैं तो देखा था भैया देखा लोग बताए कि यही के चला के मारा निकल ही जैसे आयो ना मर गया। कुल मिला के इतना बढ़िया वेब सीरीज बनल भाई के चौपाल पे रिलीज कर गेल बा। एक बनावे वाला हमार बड़ भैया अभय सिन्हा जी यशी फिल्म, और अभय भैया तो नहीं आए पर पंकज भैया आए तो मैं चाहूंगा कि पंकज भैया आप मंच में आए। पंकज तिवारी जी जिनके देख रेख में ये पूरी वेब सीरीज बनी है वो पंकज तिवारी जी हमारे बीच में है और हमारे गाजीपुर से ही हैं, तो मेरा विशेष लगाव इनसे भी है और इनका मुझसे है। ये हमारे पंकज भैया, एक जोरदार ताली हो पंकज भैया के लिए। पंकज कुछ बड़ा करना होता है तो पंकज भैया खड़े हो जाते हैं। पंकज भैया का कहना ये होता है कि भोजपुरी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमको बताइए, तो हम लोग इनको जब भी आप लोगों ने रणभूमि वो भी इन्होंने बनवाया था बहुत बड़ी फिल्म थी, परिवार इन्होंने बनवाया था बहुत एक से एक बड़ी बड़ी फिल्में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।